नमस्कार प्रकाश देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं अनुराग शर्मा थोड़ा स्वागत करना। जिस तरह के तुसी जानते हो कि चोणों का बिल्कुल बच चुके हैं, हर पासे जल्दबाजी और तेजी है, पर चंडीगढ़ के एक अजिही शख्सियत नाल साडी मुलाकात होगी। बहुत रुझेवे ने इन्हां दी, पर असी बेनती करके इन्हां तों थोड़ा जिहा टाइम मिले ही लिता। सो अज साडे विच मौजूद ने हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्री शिव कुमार जैन साहब। नमस्कार सर। सर जी नमस्कार। जान रहे हैं कि चोणों के तुसी भी अपनी ड्यूटियां निभा रहे हो, पार्टी के लिए काम कर रहे हो, किथे किथे शिरकत कर चुके थे, की रिस्पोंस तुहानूं मिल रहा है? करनाल लोकसभा क्षेत्र में, उधर भिवानी लोकसभा क्षेत्र में, रोहतक लोकसभा क्षेत्र में मेरा जाना हुआ, सभी जगह पर मोदी जी के नाम का जादू दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, पूरे देश भर में कोने कोने से मोदी जी के नाम की आवाज़ आ रही है, और कोई दूसरा आदमी इस समय इतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाया जितनी आदरणीय मोदी जी ने करी है। मोदी जी की कल्याणकारी नीतियों से देश का हर वर्ग लाभान्वित भी हुआ है और उनसे प्रभावित भी है, और प्रभावित होकर पुनः एक बार पूरे देश की जनता ने ये मन बनाया है कि मोदी जी को ही वोट दे करके दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपेंगे जी। जिस तरह के इलेक्शन का जो आज दौर है बिल्कुल बच चुका है, पर उसी तरह किसानों की फसल का भी दौर है, कटाई चल रही है, अनाज जोड़ा है मंडिया के पहुँच चुका है जी। पर जिस तरह के पिछले जो तुम देखा होना खबरों के भी आ रहा है कि अनाज जोड़ा है बारिश करके कद खराब मौसम करके कितने ना कि उसका नुकसान हो रहा है, उस करके व्यापारी चक्कर लिए तैयार नहीं है, किसान परेशान है। तुम सीधा व्यापारियों जुड़े हुए हो, यह सवाल है कि जा रहा है सरकार वालों या तुहाडे वालों कि किसान का जोड़ा है आप नुकसान बचा सके? ये प्राकृतिक मार है जो कहीं कहीं पर किसानों के खेत में कुछ गेहूं का दाना काला हुआ है, लेकिन किसान की 100% फसल सरकार खरीद रही है। एक भी दाना किसान का खरीदे बिना नहीं रहेगा। सरकार ने ये आदेश किया है जो खरीद एजेंसियां हैं सरकार की कि पूरा दाना दाना किसान का खरीदा जाए, वो कोई भी किसान के लिए मायूस होने की बात नहीं है। व्यापार जिस तरह तो व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हो, व्यापारी वर्ग में कुछ कह रहे हो इसके लिए कि ज़्यादा दाना दाना खरीद लो, सरकार की नीतियों किस तरह उन्होंने तक पहुँचा रहे हैं? देखिए, सरकार ने ही अपनी तरफ से ये घोषणा की है, सरकार ने ही प्रोक्योरमेंट एजेंसियों को हिदायत की है कि कोई भी दाना जो है ना वो किसान का खरीदे बिना नहीं रहना चाहिए, पूरी फसल खरीदेगी, एक एक दाना खरीदेंगे हम जी। अगर फिर भी किसी का नुकसान होता है उसका मुआवजा जो दिता जाऊंगा जी, उसके बाद का नुकसान कैसे होगा जब हम एक एक दाना खरीद लेंगे? कुछ जी फसल है जी खराब होगी, वो जो फसल खराब हुई है फसल का बीमा है, प्रत्येक किसान को उसकी फसल खराब होने पर उसका मुआवजा दिया जाएगा जी। बिल्कुल देते हैं, पहले भी दिया है, आगे भी देंगे। हम गल करते हैं जी करनाल, करनाल के उत्ते जिहड़ा कि इस बार सरकार ने जिहड़ा पार्टी ने एक ऐसा दाग खोल लिया कि पंजाबी बंदे नूं अगे लेके आए हैं, इस दे पिछे तुसी की सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, केवल पंजाबी की बात नहीं है। संजय भाटिया जी जो हमारे प्रत्याशी हैं करनाल से, वो बहुत अच्छे, बड़े सुलझे हुए और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के लिए। पिछले 25-30 वर्षों से वो लगातार परिश्रम करते हैं, काम किया है, यद्यपि वो दो चुनाव विधानसभा के भी पानीपत से उन्होंने लड़े हैं और मौजूदा समय में लोकसभा चुनावों में उनको प्रत्याशी बनाया है, सोच समझ करके बनाया है, कोई पंजाबी कार्ड खेलने की बात नहीं है, परंतु उनकी लोकप्रियता ऐसी है करनाल जिले में और पानीपत जिले में के 9 विधानसभाएं उसमें लगती हैं, 9 के 9 विधानसभाओं से वो अच्छी लीड लेकर के और इस चुनाव को जीतेंगे और लोकसभा में करनाल लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने भी पंडित जी वाला कार्ड खेलिया, तो उस बारे तुम की कहोगे, क्योंकि वह एक मतलब मौजूदा सांसद भी ने, उन्होंने पिता जी भी काम कर चुके हैं, डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं, वो तो तुम किस तरह सोचते हो मुकाबला बराबर का होगा? देखिए, ये तो कांग्रेस की अपनी रणनीति है कि वो किसको मैदान में उतारते हैं जी। ये ठीक है, उनके पिताजी सांसद रहे हैं, परंतु उनकी बहुत बड़ी कोई कंट्रीब्यूशन जो है
वो करनाल लोकसभा क्षेत्र में नहीं रही है, वो सोनीपत के रहने वाले हैं, उनका करनाल क्षेत्र से कोई संबंध नहीं रहा है। और सच्चाई ये है कि वो अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते थे, कांग्रेस हाईकमान ने उनकी बात मानी नहीं, उनका चुनाव में उतरना हमारे लिए कोई ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक बात नहीं है। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से जीत जाएगी। इतने एक गल होर भी आती जी, एक विधायक संसद के चुनाव लेके कर दिया जाता है, तो अगर वह जित के अगे चले जाते हैं तो फिर विधायक के चुनाव है जो दोबारा कराने पैणगे, ये बोझ सरकार जी है जनता से नहीं पाती जी, क्योंकि इलेक्शन के खर्चा तो होंगे, वो टैक्स के ही भरया जाता है। देखिए मौजूदा समय में विधानसभा चुनाव का समय 6 महीने के आसपास बचा है और इस समय जो सांसद बन जाएंगे ये निश्चित रूप से उनकी विधानसभा की सीट खाली हो जाएगी, पर चुनाव नहीं करवाना पड़ेगा, चुनाव विधानसभा के चुनाव के साथ ही होंगे, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना होता है और विधानसभा का 6 महीने का कार्यकाल ही शेष बचा हुआ है। कि तो तुम ये गल ता कह रहे हो क्योंकि कुरुक्षेत्र सीट तो भी इस तरह ही हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी एक सांसद जरा खड़ाया उम्मीदवार, वो भी विधायक है जी। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो आप भी देख रहे होंगे, 6 महीने से कम का समय बचा हुआ है, तो उसमें हम विधानसभा विधायक को उतारे या और कोई पार्टी विधायक को सांसद बनाने के लिए प्रत्याशी बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस मुद्दे को लेके जनता के बीच जा रहे हो, तुम भी कई रैलियां संबोधन कर रहे हो, कई लोगों मिल रहे हो, तुहाडे ते भी एक मतलब जिम्मेवारी है, किस मुद्दे को लेके तुसी सरकार दी जिहड़ी हैगी अगे गल कर रहे हो लोगों दे नाल? देखी बात है, आदरणीय मोदी जी की प्रधानमंत्री के बतौर इतनी उपलब्धियां हैं, अगर मैं गिनवाने लगूं तो सुबह से शाम हो जाए और शाम से सुबह हो जाए, उनकी उपलब्धियों का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। व्यापारी के लिए उन्होंने काम किया, किसान के लिए काम किया, नीतियां बनाई, मजदूर के लिए नीतियां बनाई, कर्मचारी के लिए नीतियां बनाई, किसको लाभ नहीं दिया? कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें गैस ना पहुंची हो, कुकिंग गैस, और वो भी गरीब परिवारों में मुफ्त में भेजी है। आज तक कोई भी पार्टी ये काम नहीं कर सकी है। आने वाले समय में व्यापारियों को पेंशन दी जाएगी, आने वाले समय में व्यापारियों के लिए बीमा योजना लागू की जाएगी, हर किसान के घर में, अभी तक तो 12 करोड़ किसानों को 6000 रुपये प्रतिवर्ष देने की बात थी, आने वाले समय में हर किसान के घर में 6000 रुपया पहुँचेगा, अनेकों नीतियाँ, हर गरीब के लिए आयुष्मान भारत की योजना, यदि किसी वजह से गरीब का परिवार का कोई बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार उठाएगी, इस तरह की अनेकों नीतियां जो हम लोगों में जाकर के बता रहे हैं, स्वयं भी वो देख रहे हैं, बड़े प्रभावित है। ये तो तुसी कह रहे हो जी, उधर राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो GST है, जो नोटबंदी है, इसने व्यापारी का लक तोड़ के रखता है, ये बारे तुसी की कहोगे? GST दुनिया के अनेक देशों में लागू है जी। हमें दुनिया के देशों के साथ चलना है। GST बहुत बढ़िया एक टैक्सेशन की प्रणाली है। ये ठीक है कि कुछ शुरू में GST के कारण दिक्कतें आई, जिसे मैं मानता हूं, लेकिन उनको दूर कर दिया गया, और भविष्य में भी GST के कारण से व्यापारियों को यदि कोई परेशानी आती है उसे फौरन अमेंड कर दिया जाएगा, पहले भी अमेंडमेंट हुई है। नोटबंदी के में किसी को कोई दिक्कत नहीं, और देशवासियों ने ये कहा कि मोदी जी के लिए नोटबंदी के दौर में चाहे हमें कितना ही बैंकों की लाइन में लगना पड़े, परेशानी भी एक बार उठानी पड़े, कोई चिंता की बात नहीं है। ये नोटबंदी उनके लिए है जिनके पास बेहिसाब दौलत नंबर 2 की राजनीतिज्ञों के पास रखी हुई थी, जो खरा खत्म हो गई। और नोटबंदी का फायदा हुआ कि पैरेलल अर्थव्यवस्था, ये नंबर 2 के इस रुपए की चलती थी देश में, जिसे बंद करना जरूरी था, देश की इसने रीढ़ को, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है नोटबंदी ने। ये खराब नहीं, अच्छी है।
अब विपक्ष का तो काम ही ये है, माननीय राहुल गांधी जी तो ऐसा ही बोलेंगे, वो तो खड़े हैं उन लोगों के साथ में जैसे कन्हैया कुमार के जैसे लोगों के साथ में, जो जो देश का अहित चाहते हैं, जो कहते हैं कि कश्मीर में सेना की संख्या कम करो, सेना के अधिकार कम करो, ताकि पाकिस्तानी घुसपैठिए आसानी से हिंदुस्तान में आ सकें। वो कहते हैं देशद्रोह नाम की कोई चीज नहीं है, चाहे कोई संविधान की प्रतियां फाड़े, चाहे जलाए, तिरंगे को पैरों के नीचे कुचले, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन कोई देशद्रोह नहीं है। इससे बड़ा और देशद्रोह क्या होगा? इसी गल करेंगे जी, गठबंधन दी, महागठबंधन दी, महागठबंधन कितना बड़ा खतरा साबित होगा मोदी जी दे? महागठबंधन, महाठगबंधन, काय का गठबंधन है ये? बुआ भतीजे की जोड़ी में आपको बताता हूं, बुआ जी को इसी सरकार में अखिलेश यादव से पहले उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, तब उनकी सरकार में मायावती जी को गेस्ट हाउस के अंदर बंद कर दिया, ताला लगा दिया, पानी और बिजली काट दिया। अगर मौके के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न पहुंचते तो शायद उनके प्राण पखेरु उड़ जाते। अब ऐसे ऐसे लोगों के बीच में क्या उनको मालूम नहीं है कि इन सपा के गुंडों ने क्या किया था मेरे साथ? कैसा गठबंधन है? मतलब सारा कुर्सी का लालच है जी? कुछ भी नहीं है, कुर्सी का लालच नहीं मोदी जी ने अपने, ताकि हमारे ऊपर शिकंजा कसने वाला, हमारे गलत कामों को उघाड़ने वाला वो किसी तरह से प्रधानमंत्री ना बने। केवल और केवल मात्रों का एक ही एजेंडा है। राहुल गांधी जी का कहना है कि मोदी सरकार, मोदी जी ने कुछ परिवारों को ही लाभ दिता है, जिस तरह के अंबानी की गल कर लिए, रफेल दे विच आ जाओ, उस तों बाद आप गल कर लिए कि बिजनेस दे विच जिहड़ा फायदा दिता गया कुछ घराणे नूं दिता गया, ना कि जनता नूं। 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, ना ही 15-15 लाख रुपया किसी के खाते दे विच आया। देखिए कैसी बात कर रहे हैं, आम जन, गरीब जनता का मोदी जी ने जो भला किया है, पूंजीपतियों का कहां भला किया है? पूंजीपतियों का तो कोई मकसद नहीं, गरीब किसान का, गरीब से गरीब मजदूर का, उसके घर में आने वाले समय में 3,000 रुपए महीना पेंशन पहुंचेगी, गरीब गरीब व्यापारी का आने वाले समय में, मैंने बताया आपको कि 10 लाख का बीमा जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों को मिलेगा, उन्हें कर्मचारियों की तरह से पेंशन मिलेगी, तो वो अमीरों का कहाँ किया? ये तो मनगढ़ंत बातें हैं सारी। राहुल जी झूठ बोल रहे हैं, बड़ी कमाल की बात है, ये कोई कहने की बात है? मेरे कहने की बात थोड़ा ही, ये तो आप ही जानते हैं वो क्या बोलते हैं। अच्छा एक गल और देखना चाहिए, जेडे पॉलिसीज है मोदी जी बहुत वधिया पॉलिसीज बना रहे हैं, जिवें अटल बिहारी पेंशन योजना होगी, जनधन योजना होगी, पर यह सुचारू तरीके समाज के लोगों को नहीं पहुँचदियाँ। यदा असी मतलब असी आप जोड़ा है इसनों देखिए, बैंकों के भी जाके पूछो कि अटल बिहारी पेंशन योजना है, वो कहेंगे नहीं है साढ़े को, जनधन योजना है वो अकाउंट तो खुल गए पर वो लागू नहीं कर पाए, इस दे विच कितने ना कितने सरकार कमजोर रही है। ऐसा है, ये जो खाते खुले हैं जनधन योजना के खाते खुले हैं, इनका पर्पज यही है कि किसी को कुछ बात करने की, पूछने की जरूरत ही ना पड़े, सीधे बैंक के अकाउंट में पहुंच जाए। इसीलिए तो खुलवाए थे ये गरीबों के खाते, जीरो बैलेंस के ऊपर खुलवाए, एक पैसा उनका खर्च नहीं हुआ, उनके खाते खुल गए और अब धड़ाधड़ पैसे भी उनके ऑटोमेटिकली जा रहे हैं। कोई बात ही नहीं है कि भाई किसी को मांगना पड़े किसी से, स्वयं उनके खातों में जो उनका अधिकार बनता है खुद ब खुद पहुंच रहा है। एक और बड़ा चर्चा का विषय बने हुआ, चलो राहुल गांधी जी ने माफी भी मांग ली हुजूर पे, कि चौकीदार चोर है। कांग्रेस पार्टी ने एक मतलब नारा यही मतलब सिद्ध किया कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, की तुसी कहोगे भी ये किस तरह का एक नारा दिता है या किस तरह की कंपेन सी? चौकीदार तो सजग है, वो सजग और मजबूत पहरी है। 5 वर्षों में केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और किसी भी मंत्री पर एक सुई की नोक जितना दाग नहीं लगा। वो कांग्रेस पार्टी जो 5 साल पहले भ्रष्टाचार और घोटालों में दबी हुई थी, आकंठ डूबी हुई थी, पांव के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक उनका भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, एक घोटाला, अनेकों घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला,
आवास घोटाला, जेल घोटाला, तेल घोटाला, रेल घोटाला, किस चीज में घोटाला नहीं हुआ? पूरे देशवासी कांप गए इस बात से, अरे ये क्या सरकार है, क्या पार्टी है, रोज नित नया घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल घोटाला, कोई सीमा ही नहीं थी बाबूजी। आज बताए कांग्रेस, एक घोटाला भी अगर कहीं दिखाई दिया हो, सुई की लोक जितना भी, हमारे प्रधानमंत्री तो पक्के चौकीदार हैं, रक्षक हैं धन के, एक पाई घटने नहीं देंगे। जो भी काम आएगा देश की जनता के काम आएगा, देश का धन देश के विकास में लगा है। थोड़े को टाइम कट है जी, इसलिए ज्यादा ज्यादा बस एक गल पूछना चाहना है कि तुसी या कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता है वो एक अपील कर रहा वोटर नूं, वो की मतलब सोच के वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी नूं वोट करे? अरे काम बोलता है बाबू जी, हम तो काम वायदे नहीं करते, हम तो जो कहते हैं वो निभाते हैं, और हमारा काम बोल रहा है, पिछले 5 वर्षों का काम बोल रहा है। हमने कोई ये नहीं कहा कि हम ऐसा ऐसा करेंगे ही, केवल करेंगे बात अलग है, पर करके दिखाया है, हम तो उस आधार पर बता रहे हैं, और जनता ने अपना मन बना लिया। जनता ही कहती है कि हाँ ऐसे काम करने वाले प्रधानमंत्री को ही हम पुनः चाहते हैं, जो देश के रुपए को भी सुरक्षित रखे और देश की साख को भी पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाए कि हाँ हिंदुस्तान अब कोई सांप सपेरों का खेल दिखाने वाला झोली छाप मजूमदार का खेल और ऐसा देश नहीं है, ये देश वीरों की भूमि है, जहां पर छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे पैदा हुए, ये देश वैज्ञानिकों की भूमि है, जहां अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति हुए, जिन्होंने मिसाइल मैन जिनको कहा गया, ये भूमि वीरों की भूमि है, ये भूमि भामाशाहों की भूमि है, इस भूमि के क्या कहने मित्रों, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, समय कटिया आंजलि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।